Hello students, I am in front of you again to explain the electrostatics. कल तक हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ और उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी. कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9627272711. अगेन रिपीट करता हूँ, मेरा नंबर है 9627272711. अगर आपको कूलॉम्स लॉ से कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा. ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है मेरे पास. कूलॉम्ब्स लॉ में मुझे कूलॉम्ब ने बताया द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय 1/4πε0q1q2/r2 वेयर q1 q2 आर द चार्जेस आर द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस थी आर. तो ठीक है सर, दो रिलेशन और मिले थे मुझे कल. परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट एंड एफ के इक्वल टू एफ नॉट बाय के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. मैंने यहां तक कल पता कर लिया था. नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट एनोडल लॉ which is Coulomb's law in vector form, because in Coulomb's law we find out the force and force is a vector quantity, then we require the magnitude as well as direction also. If we find out the direction, we study about the Coulomb's law in vector form, which is what? Listen, consider two charges q1 at point A and other charges q2 at point B having position vectors r1 and also r2 with respect to origin. दो चार्ज है मेरे पास q1 r1 इसका position vector, q2 r2 इसका position vector a point पे और b point पे. We have to find out the force on q2 due to q1. q2 पे फोर्स निकालना है q1 की वजह से या फिर q1 पे फोर्स निकालना है q2 की वजह से. We have to find out Q1 का Q2 पर फोर्स, बोला सर F12. Q2 का Q1 पर फोर्स F2 पर. Then फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस. हाउ मच बिटवीन दैट, बोला सर ए बी दिस इज सही है ना, ए से बी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है सर, ए से बी एरो लगा दिया मैंने, ए से बी थोड़ा बट इन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी है क्या है मेरे पास, बोला सर एक वेक्टर ओ ए दूसरा ए बी और इसका रिजल्टेंट हो गया ओ बी. सही है, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिलती हो तो तीसरी लाइन क्या होती है, उन दोनों का सम होती है. क्लियर, देन वी हैव OA प्लस AB इक्वल टू OB, दैट्स व्हाई AB इक्वल टू OB माइनस OA. OB की वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R1. वी राइट इट R21, इट इज AB वेक्टर. और यहां मैं इसकी डायरेक्शन और लिखा हुआ तो लिख दूंगा अलोंग एबी वेक्टर. सो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 ओवर एबी वेक्टर की प्लेस पे क्या आ जाएगा r21, क्या r21 वेक्टर का स्क्वायर एंड डायरेक्शन के लिए r21 कैप लगा देंगे. दिस इज द फोर्स और q2 d2 q1. सिमिलर अगर मुझे दूसरा फोर्स निकालना हो f21 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, प्लस 1/4πε0 q1 q2 ओवर यहां पे f12 में आया r21 तो यहां आ जाएगा r12 का स्क्वायर एंड r12 कैप. दैट्स इट, दिस इज द कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. देख लें अभी आप लोगों को बताया मैंने कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है उसमें. प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से, देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ साइड ए,
वर्टेक्स ए बी एंड सी हैविंग चार्जेस क्यू क्यू एंड क्यू. दिस इज माइनस क्यू एंड माइनस क्यू. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्सेस एट ए एट बी एंड एट सी. तीन चार्जेस हैं मेरे पास, एक क्यू है, एक बी माइनस क्यू है, एक माइनस क्यू है, एक ट्रायंगल पे रखे हुए हैं साइड ए के पे, ए बी सी वर्टेक्स पे, और ए पे बी पे और सी पे, तीनों पे अलग अलग फोर्सेस निकालने हैं मुझे. तो हम यूज करेंगे कूलम्ब वेक्टर फॉर्म. और कैसे, पहले मान लीजिए ए पे निकाल दें, बोला सर ए पे फोर्सेस लगेंगे ए और बी की वजह से, ए पे सी की वजह से. ठीक है, ए और सी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच फोर्स होगा अट्रैक्शन. This is the F A C. ये भी नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका भी क्या होगा, F A B. Attraction force होगा. दोनों forces निकल आए और दोनों की वैल्यू भी मेरे हिसाब से बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम दोनों जगह, और दोनों जगह डिस्टेंस भी कैसी है, सेम. तो बोला सर F A C equal to F A B equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square over distance, how much? This is a square, no tension, but the angle between FAC and FAB is how much? कितना होगा ये angle? बोला सर equilateral triangle है तो theta हो गया 60. So we have from vector addition, वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट फोर्सेस गिवन बाय F इक्वल टू ट्वाइस सीधे लाइक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं मैं, ट्वाइस F AB और AC cos थीटा बाय 2, दैट्स बाय F A. टोटल फोर्स ऑन A इज गिवन बाय ट्वाइस F AB की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर ओवर A स्क्वायर एंड cos थीटा बाय 2 मींस cos 60 बाय 2 F A. Twice 1 upon 4 pi epsilon naught q square over a square cos 30. Cos 30 की वैल्यू 1 upon root 3 by 2. 2 से 2 कैंसिल, that's why F A आ गया 1 upon 4 pi epsilon naught root 3 q square over a square. This is the force on A. You get the answer. So simple and so easy. We also find out the force at B as well as on C. बोला B पे अगर find out करना हो तो Q और Q कैसा है? बोला सर negative ये और ये positive, तो इसके बीच कैसा होगा? Attraction force यानी F B A. ये negative और ये negative तो repulsion होगा, ये force आएगा F B C. और दोनों के बीच angle हो जाएगा कितना? 120. Forces same आएंगे. निकालेंगे दोनों forces को. निकालने के बाद यही फोर्स आएंगे, लेकिन थीटा कितना हो जाएगा इस बार 120. ऐसे ही यहां के लिए निकालूंगा तो ये भी कितना आएगा एंगल 120. तो दोनों का फोर्स निकल आएगा, एफ बी भी निकल आएगा और एफ सी भी निकल आएगा सेम फॉर्मूले से. ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन रिमेन एट होम, स्टे सेफ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें प्लीज. नमस्ते. हाँ, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कूलम्ब फ्रेम वेक्टर फॉर्म, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको कराई और आप घर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं और भी ज्यादा. अब देखते हैं आगे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्ज इन कूलम्ब्स लॉ फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या वो जरा देख लें आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. है क्या जो आपने 11th में पढ़ा था वही सेम यहां है, कुछ भी अलग नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस. 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, बोला सर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इफ टू वेव्स आर ट्रेवल इन अ बे इन अ मीडियम देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इज ऑलवेज बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस y इक्वल टू y1 प्लस y2. यहां मुझे क्या पढ़ना है, बोला सर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज ऑलवेज बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फोर्सेस. अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के कैसा होता है, बराबर कैसे होता है. ठीक है सर, बोला सर मेरे पास मान लीजिए कि चार्ज है Q0, एक ये कोई चार्ज है Q1, एक ये चार्ज है Q2,
एक ये है कोई Q3 और ये के है कोई है Q4, ये है Q5। बड़ा सर गड़बड़ कर रहे हो आप, गलत बात है। मैंने कहा क्यों? बड़ा सर आपने हमें बताया 240 के बीच का फोर्स यहां पर दे दिए, इतने सारे आप कैसे निकाल पाएंगे? मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करो। मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि Q0 पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैंने कहा देखो भाई दोनों का जोड़ा बना लो, Q1 और Q0 के बीच का फोर्स, Q2 का फोर्स, Q0 Q3 का फोर्स, Q0 Q4 का फोर्स, Q0 Q5 का फोर्स, और सब का निकाल के अलग अलग फोर्सेस उनका वेक्टर सम कर लो। दैट मींस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0 इज गिवन बाय F0 इक्वल टू F0 और पहले का, F0 और दूसरे का, F0 और तीसरे का, नो टेंशन है। और बोला सर अच्छा Q1 पर निकालना हो तो कमाल का ढक्कन, मैंने बिल्कुल निकल आएगा। बोला सर फोर्स ऑन Q1 कैसे निकलेगा? बोला सर F1 इक्वल टू, अब क्या होगा? बोला सर इसका 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 और इसका इसका, तो बिल्कुल ठीक। जिस चार्ज पे आपको निकालना है वो उसकी हो गई पोजिशन सुपर, इसका जोड़ा बनाना है सबके साथ, जैसे Q1 का Q0 के साथ, Q1 का Q2 के साथ, Q1 का Q3 के साथ, Q1 का Q4 के साथ, Q1 का Q5 के साथ, क्लियर? तो दैट मींस क्या होगा? F प्लस 1 0 प्लस वेक्टर F1 2, दैट्स इट, प्लस F पहला तो रहेगा ही थर्ड, प्लस F पहला तो रहेगा ही फोर्थ, दैट दैट इज F1 n, हो गया। This is the principle of superposition. That means the force experienced by a charge is always be the equal to the vector sum of individual forces of all the charges. सारे charges के बीच के individual forces के कैसा होता है सम के बराबर? देखते हैं इसमें based एक problem, कैसा question रहेगा इस पर based? Problem कुछ इस तरीके से है। मतलब problem है मेरे पास ये। एक नंबर लाइन है एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है 2, 4, 6, 8 और इस पर चार्ज रखे हैं, यहां पर रखा है एक चार्ज यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है और एक यहां रखा है। सबकी वैल्यू है 20 माइक्रो कूलम, पांच चार्जेस है और पांचों की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रो कूलम। 0 पर रखा है, 2 पर रखा है, 4 पर रखा है, 6 मीटर पर रखा है, 8 मीटर पर, नंबर लाइन मीटर में है। बोला क्वेश्चन क्या है फिर? बोला फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 2 मीटर। मतलब बोला इस वाले ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया वो निकालो। तो मैंने कहा जोड़े बनाते, बना लो भाई जोड़े। बोला इसके और इसके बीच का कैसा फोर्स होगा? दोनों सेम चार्ज है, रिपल्शन। बोला सर इधर होगा F20, ठीक है, 2 और 0 वाले। F2 और 4 का किधर होगा? बोला सर इधर रिपल्शन होगा F24। F2 के साथ 6 का भी बनेगा, किधर होगा? बोला सर इधर ही रिपल्शन F26। और F2 और 8 का वो भी किधर होगा? इधर ही, कितना? बोला सर F28। इसका मतलब 3 फोर्स एक साइड आ गए और एक अपोजिट साइड में आ गया, तो इन तीनों, ये तीनों तो जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा। बोला कैसे करेंगे? देखें F20 और F24 दोनों सेम होंगे, क्यों? इसके इसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर, इसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर और दोनों चार्जेस कैसे 20 यहां 20 यहां और 20 यहां, तो 1/4πε0 20 × 20 माइक्रो है, दैट्स व्हाई दैट 10^-12 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल आउट 5 F20 और F24 दोनों आगे सेम, 1/4πε0 100 × 10^-12 ये आगे दोनों फोर्सेस F20 और F24, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होंगे, किधर है वाले किधर है, तो F20 एंड F24 कैंसिल्ड टू ईच अदर। अब कितने फोर्स कौन कौन से बचे? बोला सर इन दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो फोर्सेस कौन से बचते हैं? बोला सर ये तो खत्म हुआ 24 वाला और 20 वाला, तो कौन सा बचा? F28 और F26, दोनों को निकाल लीजिए। बोला सर F26 की वैल्यू
मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस 20 10 टू द पावर -12 और डिस्टेंस 2 एंड 6 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बोला सर 4 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 पहला 4 ऐसे ही F28 को निकाल लें कितना हुआ F28 को निकालेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 10 टू दी पावर -12 और डिस्टेंस कितनी होगी 2 और 8 के बीच की प्लस 6 ठीक तो 36 देन F2 यानी टोटल फोर्स जो 2 पर निकलेगा वो कितना होगा बोला सर F26 प्लस F28 कैलकुलेट करके यू गेट आंसर सो सिंपल है सो इजी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आपको मिलेंगे स्टे सेफ रिमेन एट होम नमस्ते